इंश काम का है। देखिए आयुष्मान भारत का बड़ा फैसला, 70 साल से ज़्यादा उम्र के बुजुर्गों को अब 5 लाख का मुफ्त इलाज। अच्छा देखें क्या है ये इंश। कैबिनेट, केंद्रीय कैबिनेट ने 70 साल या उससे अधिक के वर्ग के लोगों को आयुष्मान भारत स्कीम में शामिल करने का फैसला लिया है और इस योजना के तहत उन्हें 5 लाख का मुफ्त इलाज मिलेगा। ठीक है, दिल्ली कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। ठीक है, 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा और केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना में बड़ा बदलाव किया है। इससे पहले यह योजना सभी वर्ग के बुजुर्गों को शामिल नहीं करती थी। अब 70 साल से ज़्यादा उम्र के सभी लोग इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। सभी लोग मतलब गवर्नमेंट वगैरह के कुछ थे या फाइनेंशियल जो कुछ लोग थे उनके ऊपर कर रहे हैं। इस योजना के तहत 5 लाख रुपये तक का इलाज मुफ्त करवा सकते हैं। केंद्र सरकार ने बुधवार को यह बड़ा ऐलान किया है। अब 70 साल और उससे ज़्यादा उम्र के बुजुर्ग को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPG PMJAY में शामिल किया जाएगा। सरकार ने बताया है कि इस कदम से 4.5 करोड़ परिवारों को फायदा मिलेगा। इन परिवारों में 6 करोड़ बुजुर्ग हैं जिन्हें परिवार के आधार पर 5 लाख रुपए का मुफ्त बीमा मिलेगा। 70 साल और उससे ज़्यादा उम्र के सभी बुजुर्गों की पात्र, सरकार ने कहा। इस मंजूरी से 70 साल से ज़्यादा उम्र के सभी बुजुर्ग, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, उनको फ़ायदा मिलेगा। अच्छा, मतलब पैसे का टर्म जो है इसमें नहीं लाया गया है कि कितना पैसा और क्या चीज़। पहले से बीमा योजना का लाभ उठा रहे बुजुर्ग के पास विकल्प, 70 साल और उससे ज़्यादा के सभी अन्य बुजुर्गों को परिवार के आधार पर 5 लाख रुपये तक का कवर मिलेगा और 70 साल और उनसे बुजुर्ग अन्य सार्वजनिक बीमा केंद्र सरकार CGHS भूतपूर्व सैनिक अर्धसैनिक और आयुष्मान केंद्र सशस्त्र पुलिस बल कैप का लाभ उठा रहे हैं तो वो अपनी मौजूद योजना चुन सकते हैं। ठीक है, खासकर इन्हीं लोगों पे था कि जो भी डिफेंस में हैं या पहले से जिनको मिला हुआ है या जो लाभ उठा रहे हैं उनके ऊपर ही बात था। मगर ये ठीक है, अच्छी बात है। 70 साल के ऊपर, अब 70 साल कोई ठीक से जाए तब तो ये भी देखने वाली बात होती है। अच्छा योजना है, देखते हैं आगे इस पर गवर्नमेंट क्या करती है नहीं करती है।